भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में 2 सितंबर से भाजपा सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। इस क्रम में इसके पहले तमाम जगहों पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। आज लखनऊ के गांधी भवन में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। मेरे पीछे की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मंच को तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मुख्तार अब्बास नकवी, उसी के साथ साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए मौलाना हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, सभी को इस अभियान में जोड़ना और उसी के साथ साथ जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वहां पर भाजपा की योजनाओं को भी पहुंचाना एक लक्ष्य रखा गया है। तमाम जो अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे बात करते हैं, कहाँ से आए हैं आप? रामपुर से। रामपुर से आए हैं। अच्छा, तो ये बताइए, इस कार्यक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? भाजपा के जो सदस्यता अभियान है इसमें लोग जुड़ेंगे? जी बिल्कुल जुड़ेंगे, और मैं 9 साल से पार्टी में काम कर रहा हूँ। ठीक है, कहाँ से आए भाई साहब आप? कुशीनगर से। कुशीनगर से आए। अच्छा, तो आज जो सदस्यता अभियान हो रहा है, 2 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी कार्यशाला, इस कार्यक्रम को आप कैसे देखते हैं? ये कहा जा रहा है कि इसमें मौलानाओं की भी मौजूदगी रहेगी, मुस्लिम धर्म गुरुओं की भी। बहुत बेहतर, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें लोग जुड़ेंगे। क्या आप कहना चाहेंगे? विपक्ष झूठी अफवाह फैलाने का काम करता है। आपने देखा होगा कहीं सरकार के द्वारा भेदभाव नहीं किया गया है, सबको एक साथ लेके सरकार ने चलने का काम किया, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ सरकार ने काम किया है। सरकार कहती है, पीएम मोदी खुद कहते हैं कि एक हाथ में कुरान होना चाहिए और एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। ऐसा आपको लगता है कि आज जो मदरसों के बच्चे हों या तमाम लोग पढ़ रहे हैं उनका विकास भी हो रहा है? जी, शिक्षा के मामले में अगर मोदी जी का कहना है कि एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस बार जो रिजल्ट आया था उसमें ज़्यादा मुस्लिम बच्चे ही 57 मुस्लिम बच्चे पास किए थे। तो भविष्य में अच्छी चीज़ें हैं, जो पढ़ाई सबसे बेस्ट है, और पढ़ाई में अगर मोदी जी मुसलमानों के प्रति कुछ कर रहे हैं तो बहुत बेहतर है, और मुस्लिम को आना सकता है। तमाम अल्पसंख्यक मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर से आए हैं, बाबा की नगरी से आप आए हैं। तो ये बताइए, ये मुस्लिमों का विकास हो रहा है इस सरकार में? पूरी तरह से हो रहा है, कहीं किसी भी योजनाओं में कहीं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, सबको समान रूप से सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, चाहे वो किसी भी समाज का हो। ये जो भ्रम फैलाता है कि मुस्लिम जो है वो भाजपा से दूर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, अभी ये पूरा हाल भर जाएगा, सारे पूरे प्रदेश के कोने कोने से, हर जिले से मुसलमान यहाँ आएगा। कहाँ से आए हैं भाई साहब? गोरखपुर। अच्छा, आप गोरखपुर के हैं, तो गोरखपुर में आप लोगों का जो काम है या जो भी चीज़ें हैं, योजनाएं हैं, मिलती हैं आप लोगों को? पूरा मिलता। जो अखिलेश यादव कहते हैं कि नहीं, मुस्लिम विरोधी है भाजपा, अब उनका काम है कहना, विपक्ष के हैं तो कुछ तो कहेंगे ही। आप कहाँ से आए भाई साहब? गोरखपुर से। चाहेंगे इस कार्यशाला को लेकर, एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी लोगों को जोड़ने की, तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। आप कहां से आए भाई साहब? गोरखपुर से। गोरखपुर की एक बड़ी टीम है यहां पर। तो ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में भी इसका जो है प्रचार प्रसार, लोगों को जोड़ा जाएगा, तो आपको लगता है लोग तैयार हैं? बहुत ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ने के लिए तैयार है। गोरखपुर में जहाँ तक देखा जाए, जिस तरह से विपक्ष कहता है कि मुसलमान के खिलाफ है भाजपा सरकार, ये सब गलत है। हम भी तो मुसलमान हैं, भाजपा के साथ लगातार लग चलते हैं, कदम से कदम मिला के चलते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं होती। जो सबको मिलता है वो हमको भी मिलता है, और इंशाल्लाह हमेशा सबको मिलता रहेगा। तो तमाम जो अल्पसंख्यक मोर्चा के यहाँ पर प्रदेश पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं, और सभी का कहना ये है कि योगी सरकार में सभी धर्म के लोगों का विकास हो रहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।